हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और जुड़ जाइए द एकेडमी प्लस फैमिली से। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखें सो दैट कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्चुअल ब्रेडबोर्ड क्या होता है और इसको आप घर बैठकर कैसे सीख सकते हैं। इसको सीखने के लिए सिर्फ आपको चाहिए एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और एक लैपटॉप की हेल्प से आप घर बैठकर बहुत सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। दोस्तों, वर्चुअल ब्रेडबोर्ड को यूज करने के लिए आपको गूगल के अंदर टाइप करना है टिंकर कैड। तो जैसे ही आप टिंकर कैड टाइप करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे एक लोगो दिख जाएगा जिसमें लिखा हुआ है टिंकर कैड। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, टिंकर कैड इज ए फ्री ऑनलाइन 3D मॉडलिंग प्रोग्राम। तो बेसिकली दिस इज अ फ्री ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। तो चलिए दोस्तों, इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपका ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यहां पर ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मेरा ऑलरेडी अकाउंट यहां पर बना हुआ है। आप जब फर्स्ट टाइम इसको यूज करेंगे तो आपको ज्वाइन नाउ का ऑप्शन यहां पर मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लें। लेफ्ट साइड में आपको यहां पे कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, 3D डिजाइन, सर्किट, कोड ब्लॉक्स एंड लेसन्स। तो आपको यहां पर क्लिक करना है सर्किट्स के अंदर। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पे कुछ ऑलरेडी सर्किट मैं डिजाइन कर चुका हूं, तो आपको करना है क्रिएट न्यू सर्किट। सो दोस्तों, दिस इज अ प्लेस वेयर यू कैन डिजाइन योर ओन सर्किट एंड देन फाइनली यू कैन सिमुलेट योर रिजल्ट्स। तो यहाँ पर राइट साइड में आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स की लिस्ट मिल जाती है, फॉर एग्जाम्पल रेसिस्टर, LED, पुश बटन। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप इसको स्क्रोल डाउन करते हैं, आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। आप इजीली उनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और इजीली उनका कनेक्शन बना सकते हैं और फाइनली आप उनका रिजल्ट देख सकते हैं बाय यूजिंग दी सिमुलेशन। सो गाइज, आप यहां पर देख सकते हैं आपको ब्रेडबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपका ब्रेडबोर्ड डिस्प्ले हो जाता है। तो आप यहां पर इसको क्लिक कर दें और यहां पर ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहां पर हम एक कनेक्शन बनाने जा रहे हैं जिससे कि आप एक LED को ग्लो कर सकते हैं बाय यूजिंग दी 9V बैटरी। तो आपको 9V की बैटरी यहां पर मिल जाती है, इस पर आप क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि यहां पर आपकी जो बैटरी है वो डिस्प्ले हो चुकी है। अब आपको चाहिए एक LED, तो यहां पर आप क्लिक कर दें और आप देख सकते हैं कि आपके पास आ चुकी है LED। सो दिस विल आस्क यू दैट व्हाट इज द नेम ऑफ दिस LED। सो दिस इज द नंबर वन LED एंड व्हाट इज द कलर, रेड। यू कैन चूज द कलर, लेट से आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस येलो कलर। सो बेसिकली आपके सर्किट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज होने वाले हैं, आप उनको यहां पर ले आए और फिर उसके बाद पूरा का पूरा जो सर्किट है उसको आपको डिजाइन करना है। तो चलिए हम एक रेसिस्टर और ले आते हैं। यहां पर आपका आ चुका है रेसिस्टर और यहां पर आप उसका वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। लेट से कि यहां पर ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट है, तो इसको हम रहने देते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो ब्रेडबोर्ड है, यहां पर बहुत सारे होल्स हैं। बेसिकली इन होल्स की हेल्प से ही हम कनेक्शन बनाते हैं। उस वायर को आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और सीरीज और पैरेलल के हिसाब से आप अपना सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस ब्रेडबोर्ड इज मेड ऑफ व्हाइट प्लास्टिक एंड आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो आपके होल्स हैं, होल्स के अंदर एक मेटल की प्लेट होती है। बेसिकली वो मेटल होता है आपका कॉपर एंड दिस होल ब्रेडबोर्ड इज सोल्डरलेस। सोल्डरलेस का मतलब है आपको सोल्डरिंग की जरूरत नहीं है। आप इसमें जो कनेक्शन है आप उसको बना सकते हैं और फिर से निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि आप इसको मल्टीपल टाइम्स रीयूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्किट को डिजाइन करना। सिंपली आप यहां पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर दिख जाएगा जो रेड पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। तो यहां पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक वायर आपके पास मिल जाएगा। तो आप यहां पर इंसर्ट कर दें इसको। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इस प्लस वाले सिंबल में इस वायर को इंसर्ट किया और यहां पर जितने भी ग्रीन होल्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर यहां पर मैं सप्लाई दे रहा हूं तो वो सप्लाई यहां पर भी मिलने वाली है पूरी की पूरी रो के अंदर। और यहां पर आप इसको लाकर क्लिक कर दें। यू कैन ऑल्सो चूज द कलर ऑफ द वायर। यहां पर ग्रीन है, लेट्स से
आई एम गोइंग टू मेक इट ब्राउन. सो दिस इज नाउ ब्राउन. नाउ लेट मी रोटेट दिस बैटरी. You can rotate this battery from here, from this option, rotate. You can see your battery is rotating. You can fix this like this. Now pick your resistor और आप इसको यहां पर लाकर drop कर दें. Now try to understand one of the most important point. जैसे ही मैं पॉइंटर को यहां पर लेकर आता हूं तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर का इंडिकेशन है वो इन पांचों होल में शो कर रहा है. तो इसका मतलब है जो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो इन पांचों होल से पास होगी, ठीक है. और जो आपका 29 रो है उसमें नहीं होगी, सिर्फ 30 में होगी, ना ही 28 में होगी, ना ही 27 में होगी, ना ही 26 में होगी. अगर मैं यहां पर ज्वाइन करता हूं वायर को, ठीक है, लेट्स से यहां से मैं वायर लेकर आता हूं और यहां ड्रॉप कर देता हूं, ठीक है. तो जैसे ही मैंने 30 में यहां पर ड्रॉप किया तो मुझे आगे कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब है कि जो आपका पावर सप्लाई है वो इन होल्स में ऑलरेडी आ रहा है, तो आपको इसको वायर से ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है. तो आप यहां पर एलईडी को आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है. जो आपका प्लस है वो पहले आएगा, देन आपका नेगेटिव. अब आप इजीली जो नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव को ज्वाइन कर सकते हैं. तो यहां पर आप एक वायर लेके आएंगे और यहां पर इसको ज्वाइन कर देंगे. अब आपका सर्किट बेसिकली कंप्लीट हो चुका है. अब आपको सिर्फ चेक करना है कि जो आपका सर्किट आपने बनाया है वो सही है या गलत है. तो आपको यहां पर क्लिक करना है स्टार्ट सिमुलेशन पर. तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि जो एलईडी है वो ग्लो हो चुकी है. इसका मतलब है आपका सर्किट बिल्कुल सही है. तो आप देख सकते हैं कि इन सर्किट्स को डिजाइन करना, सिमुलेट कराना कितना आसान है. आपके पास अगर एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, लैपटॉप है, तो आप घर बैठकर इजीली आप कनेक्शंस को बना सकते हैं. यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं. सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज कुछ सीखने को जरूर मिला होगा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.